बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के शाहरुख खान पर किए ट्वीट पर सियासत गरमा रही है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने विजयवर्गीय के साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। दिग्गी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विजयवर्गीय के बयान पर पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। विजयवर्गीय के बयान पर गरमा रही सियासत, कांग्रेस ने विजयवर्गीय पर साधा निशाना। शाहरुख के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह का पलटवार, दिग्गी ने कहा विजयवर्गीय के बयान पर माफी मांगे पीएम मोदी। शाहरुख खान द्वारा देश में असहिष्णुता की बात करने के बाद भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित ट्वीट करते हुए शाहरुख को देशद्रोही कह दिया था, जिसके बाद दिग्विजय ने ट्वीट करते हुए विजयवर्गीय के बयान के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। इस मामले में दिग्विजय ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी और अमित शाह कैलाश विजयवर्गीय की राय से सहमत हैं? क्या वे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? दिग्विजय सिंह ने इस मामले में पीएम मोदी पर भी हमला बोला है और शाहरुख खान का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी महासचिव का बयान बहुत बेतुका है और इस पर पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। हम शाहरुख खान के साथ हैं। इसी बीच साध्वी प्राची ने भी शाहरुख पर हमला करते हुए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार दिया और कहा कि उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। विजयवर्गीय और साध्वी प्राची के बयानों के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने शाहरुख खान को पाकिस्तान में रहने का न्योता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।